विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया आज मीडिया के सामने आए और बेहद ही सनसनीखेज आरोप लगाया। तोगड़िया ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वक्त से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके आगे तोगड़िया ने कहा कि उनको डराने के लिए उनके खिलाफ पहले के केसेस खोले जा रहे हैं। लेकिन प्रवीण तोगड़िया ने जो सबसे सनसनीखेज आरोप लगाया वो था उनके एनकाउंटर की साजिश। और कुछ समय से यह आवाज दबाने का प्रयास होता रहा। यह प्रयास के क्रम में सेंट्रल आईबी ने देश के 10,000 डॉक्टर मैंने तैयार किए जो गरीबों की सेवा करे, सेंट्रल आईबी ने उनके घरों पर जाकर डराना शुरू किया। मैंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा और वही क्रम में सेंट्रल आईबी अनेक चीजें आज भी करने लगी है और यह आवाज दबाने के लिए देश भर में सामाजिक गतिविधियों के कारण मेरे विरुद्ध कानून भंग के केस 188, 144, 153 जिन केस की जानकारी भी मेरे पास नहीं है, वह 20-20 साल के देश भर के केस निकलवाकर अरेस्ट करके एक जेल से दूसरी जेल में भेजकर डराने का क्रम गुजरात से शुरू हुआ। तब भी मैंने गुजरात के चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को पूछा, पता नहीं था। और कल मकर संक्रमण के दिन राजस्थान का पुलिस का काफला और वह गिरफ्तारी वारंट लेकर समन्स आता है, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, गिरफ्तारी का काफला लेकर आया। यह हिंदुओं की मेरी आवाज दबाने के अनेक कदम का एक हिस्सा है। यह सभी परिस्थिति में मैं हिंदू संगठनों की एकता के लिए काम करता रहा। तोगड़िया की आवाज कौन दबा रहा है और किसने उनके एनकाउंटर की साजिश रची थी, उन्होंने इस पर बोलने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा केंद्र सरकार की ओर था। तोगड़िया के इस आरोप के बाद सियासी बवाल मचना तय है। अब देखना है जो बात तोगड़िया ने शुरू की थी वो कितनी दूर तक जाती है। NMF News की रिपोर्ट।